नमस्कार, तावांग न्यूज के सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। और चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध को अब 50 साल पूरे हो चुके हैं और इस विजय दिवस के स्वर्ण जयंती को मनाते हुए स्वर्णिम विजय वर्ष मशाल वेस्ट कामेंग के रूपा पहुंच चुकी है, जहां इस मशाल का स्वागत पूरे जोश और उल्लास के साथ किया गया। इस समारोह में GOC 5 माउंटेन DIV मेजर जनरल जुबिन मिनवाला, युवा लोक नेता सतन चौबे, पूर्व मंत्रीगण और रूपा क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि यह विजय मशाल 19 तारीख को तवांग पहुंचेगी, जिसके लिए तैयारी पूरे जोरों से चल रही है। इस मशाल के तवांग पहुंचने पर तवांग में एक बहुत ही विशाल राष्ट्रीय ध्वज तवांग के 190 माउंटेन ब्रिगेड के इलाके में फहराया जाएगा। अरुणाचल के राज्यपाल डॉ. BD मिश्रा ने वर्चुअल मीडिया के जरिए राजभवन ईटानगर से राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात में 12 दिन के मॉडर्न पॉलिसिंग में ट्रेनिंग ले रहे 16 प्रोबेशनल DSPs को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे सभी अपने पुलिस टीम का नेता का काम करें, गरीब और पिछड़े लोगों की सहायता करें और अपने शक्ति का गलत प्रयोग ना करें। असम नौगांव के रेलवे स्टेशन में आज सुबह एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत। बताया जा रहा है कि वे नौगांव के हेबर गांव रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी जाना चाहते थे, जहां पटरी पार करते समय वे चलती ट्रेन के नीचे आ गए। खबर पता चलते ही पुलिस ने कार्रवाई की और उनके वितरित पार्थिव शरीर को बोगेश्वरी सिविल हॉस्पिटल नौगांव में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी दिवस है। आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान ने हिंदी दिवस को राष्ट्रीय भाषा माना था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हमें मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर के पूर्व क्षेत्र एवं संगठन ने अपने केमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर प्रमाणिक नरेंद्र के निलंबित करने पर धरना दिया। सैकड़ों छात्रों ने इस शांति धरने का साथ दिया और उनका मानना है कि उनके प्रोफेसर निर्दोष हैं। प्रोफेसर प्रमाणिक नरेंद्र को APSSB के परीक्षा के दौरान एक अभिभागी द्वारा चीटिंग करते हुए पकड़े जाने पर निलंबित किया गया था। इस धरने से छात्र मांग कर रहे हैं कि APSSB के सेक्रेटरी संतोष कुमार राय और कमिश्नर एजुकेशन निहारिका राय सामने आकर खुलकर बताएं कि उन्हें क्यों निलंबित किया गया। तो इन्हीं खबरों के साथ मैं सांगड्रमा अब सबसे लेती हूँ विदा। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।